अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लासेस। आई एम योर फिजिक्स टीचर अक्सा एंड टुडे वी विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन एंड रे ट्रेसिंग फॉर लेंसेज। पेज नंबर 80 ऑफ योर बुक, इमेज फॉर्मेशन एंड रे ट्रेसिंग फॉर लेंसेज। रे डायग्राम्स आर यूज टू शो इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज। लेंसेज के केस में भी हम रे डायग्राम्स के थ्रू इमेज फॉर्मेशन को शो करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ फिगर शोइंग द लेंस एंड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। द फिगर शुड ऑल्सो शो द फोकल पॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लेंस। अब हम फिगर 12.24 की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने एक कन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करना है, ठीक है, या कंस्ट्रक्ट करना है, और इसमें आपको जो है प्रिंसिपल एक्सिस मस्ट शो होना चाहिए जो कि परपेंडिकुलर लाइन होता है, और दूसरा हमारे पास दोनों साइड्स पे फोकल पॉइंट भी मेंशन होने चाहिए। वे आपकी मर्जी है, कन्वेक्स लेंस में भी और कनकेव लेंस में भी, जो आप लेना चाहे, ठीक है। यहाँ पे भी आपने जो है प्रिंसिपल एक्सिस को मस्ट शो करना है और फोकल पॉइंट को दोनों साइड्स पे लेना मस्ट है। ड्रॉ द ऑब्जेक्ट एट द अप्रोप्रिएट पॉइंट, वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल जनरली लाई ऑन द एक्सिस। अब हम किसी भी पॉइंट पे जो है एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, लेकिन मस्ट ये है कि उसका जो एक एंड है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करना चाहिए, ठीक है। ड्रॉ थ्री रेज दैट एमिनेट फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप हम इस टिप से, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट के दो एंड्स हैं, एक को हम टिप बोल रहे हैं और दूसरा टेल, तो हम इसके टिप से या हेड से जो है थ्री रेज जो हैं, थ्री लाइट रेज जो हैं ओरिजिनेट हम कहते हैं कि हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है द ए रे, पैरेलल रे हिटिंग लेंस एट पॉइंट ए इज़ इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस। After passing through the lens, this ray or its extrapolation passes through one of the focal points. अब जो A ray हम ले रहे हैं, या फिर आप orange ray जो आपकी book में show हो रहा है इस figure में, हम कहते हैं कि ये principal axis के बिल्कुल parallel आके point A पे lens को strike करता है। जब ये lens के through pass होगा तो ये इसके focal point से होके गुजरेगा। दोनों में आप इस वाले में भी देख सकते हैं, लेकिन इस वाले में जब कनकेव लेंस के लिए जब ये आ रहा है तो यहाँ से ये डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे आके ये डाइवर्ज हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको वापस इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ, तो वो आप देख सकते हैं कि ये फोकल पॉइंट से ही होके गुजरता है। अब सेकंड, द एफ रे फोकल रे और इट्स एक्सट्रापोलेशन इज़ डायरेक्टेड एट द फोकल पॉइंट सेम साइड ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड अदर साइड ऑफ द कनकेव लेंस। आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस दिस रे इज़ पैरेलल टू द एक्सिस। अब हम एफ रे को देखते हैं, जो कि ब्लू रे भी आपको नज़र आ रहा है इस फिगर में। ये इस ऑब्जेक्ट के टिप से होके फोकल पॉइंट से गुजर के इस पॉइंट पे लेंस को स्ट्राइक करेगा या हिट करेगा। अब लेंस से पास होने के बाद ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल ही ये रे जाएगा, ठीक है, और ये जो है लेफ्ट साइड ऑफ द कन्वेक्स लेंस आप देख सकते हैं और राइट साइड ऑफ द कनकेव लेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। सी द ओ रे ओरिजिन रे और इट्स एक्स्ट्रापोलेशन पासिस स्ट्रेट थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस कॉल्ड ओरिजिन एंड इज नॉट डिफ्लेक्टेड, ठीक है। अब जो ओ रे है, जो आपके पास ग्रीन रे से भी शो हो रहा है, ये इस टिप से डायरेक्ट आके इसके सेंटर पे, लेंस के सेंटर पे, जिसे हम ओ पॉइंट का नाम भी दे रहे हैं, उस पे स्ट्राइक करेगा और कोई डिफ्लेक्शन इसमें आपको नज़र नहीं आएगी और ये स्ट्रेट इसी तरह से वापस पास होगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों रेज है ये आके हमारे पास एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, और चूंकि हमने टिप से ही थ्री रेज को लिया है, तो यहाँ पर भी आपने इमेज का टिप ही ड्रॉ करना है। ऐसे हमारे पास इन्वर्टेड एक इमेज बन गया, ठीक है। दीज थ्री रेज फिगर 12.24 और इट्स एक्स्ट्रापोलेशन इंटरसेक्ट एट एन इमेज। इमेज पॉइंट पे ये तीनों रेज एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम इमेज पॉइंट भी बोल रहे हैं। इफ द रेज एक्चुअली पास थ्रू द इमेज इज रियल, इफ दे डू नॉट द इमेज इज वर्चुअल, जस्ट एज द केस ऑफ इमेज इज फाउंड बाय द मिरर। अब हम कन्वेक्स लेंस के लिए हम देख रहे हैं कि ये जो रेज है ये एक्चुअली एक पॉइंट से पास हो रहे हैं जहाँ पे हमने इमेज को ड्रॉ किया है, और इस इमेज को हम रियल इमेज बोल रहे हैं। और हमने ये भी देखा था कि कन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास जो लाइंस थी, जो रेज थी, वो एक्चुअली एक पॉइंट से पास नहीं हो रही थी, बल्कि उसको हमने पीछे की जानिब एक्सटेंड किया तो एक पॉइंट हमें मिला,
तो कन्वेक्स लेंस के केस में जो इमेज हमारे पास बना वो रियल है, और कन्वेक्स मिरर के केस में जो हमारे पास इमेज बना था वो वर्चुअल था। ठीक है, अब आप इस फिगर में देख भी सकते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए हमारे पास दूसरी साइड पे इमेज बना है, जबकि कनकेव लेंस के लिए हमने तीनों रेस को पीछे की जानिब एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिला जहाँ पे हमें इमेज, हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इमेज बना है। नेक्स्ट पेज पे, व्हेन अ लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लेंस। ये पॉइंट हमें यही बताता है कि अगर लेंस एक रियल इमेज बनाता है तो ऑब्जेक्ट लेंस के एक साइड पे होगा और इमेज जो है वो उसके दूसरे साइड पे होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे जो इमेज हमारे पास बना है वो रियल है, और आप देख भी सकते हैं कि जो रियल इमेजेस होती है वो इन्वर्टेड हैं, और यहाँ पे भी आपके पास जो इमेज मिला है वो इन्वर्टेड इन नेचर है। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।